है उनको चैनलाइज करते हुए आगे बढ़ेगा, या हमारी कंट्री जैसे कि Y20 का G20 का प्लेटफॉर्म हमें मिलना ये बहुत बड़ी बात है। तो ऑफकोर्स अगर हमें ये प्लेटफॉर्म मिलेगा हम तो पॉजिटिव वे में आगे जाएंगे, हम तरक्की करेंगे, हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी, हम इंडिविजुअली सस्टेन करेंगे, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे। तो ये तो इनडायरेक्टली किसकी हार है, उस देश की, जो कि ऑफकोर्स कभी चाहता ही नहीं कि कश्मीरी यूथ जो है वो खुद अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, हमेशा फसाद, दंगे, ड्रग्स वगैरह में साथ पाकिस्तान की इकोनॉमी नीचे जा रही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है नहीं, एक सिविल वार चल रही है अपने ही मुल्क के अंदर। इस सिविल वार के बावजूद भी क्या पाकिस्तान को होश होगी कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? सी एज ए सेड कि इंडिया इज राइट नाउ डूइंग द प्रेसिडेंसी ऑफ G20, सो वी कैन नॉट टेक एनी चांस। वी कांट जस्ट से कि हाँ कोई तो इकोनॉमी लो इकोनॉमी से जूझ रहा है, वो थोड़ी हमारा कुछ बिगाड़ सकते हैं। बट आज हम बात करने जा रहे हैं कि अभी रिसेंटली मैंने देखा कि आप Y20 की मीटिंग के अंदर थी, ऐसा समिट जिसके अंदर टर्की तक आया हुआ था, चाइना मस्कर आ गया, और जो अरेंजमेंट्स हमें नजर आ रहे थे ऑन स्क्रीन, जो हम देख पा रहे थे, दैट वाज अमेजिंग। उसको लेकर पाकिस्तान की तो आंखें खुली की खुली रह गई हैं, बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया सोच रही थी अगर Y20 में ये हाल है तो G20 में क्या होगा। क्या कहेंगी इस बात राइट पे? जैसे कि कश्मीर में Y20 होना, G20 होना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। यहाँ के यूथ के लिए इट्स मतलब सबसे बड़ा दरवाजा है ये, टू ओपन इट फॉर देयर बेटरमेंट, फॉर देयर एम्प्लॉयमेंट, फॉर ब्रॉडनिंग देयर विजन, उनके लिए और एम्प्लॉयमेंट के वसीले खड़ा करना। तो मैं ये समझती हूँ कि इंडिया की प्रेसिडेंसी में कश्मीर में Y20 होना और उसमें मतलब ए पॉलिटिकल सारे जितने भी टॉपिक्स है वो सारे डिस्कस हुए, एंड जैसे कि एज आई वाज रिप्रेजेंटिंग इंडिया देयर एंड आई बिलोंग टू कश्मीर, सो ए कश्मीरी यूथ वाज रिप्रेजेंटिंग इंडिया, इट्स अ बिग डील। एंड आई गॉट इंटरेक्ट विद नेशनल पैनलिस्ट, इंटरनेशनल डेलीगेट्स एंड ऑल द डेलीगेट्स अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड ऑफ कोर्स आई वाज फीलिंग गुड कि यार आई एम गेटिंग टू एक्सचेंज माई विजन, माई आइडियाज, माई व्यूज। तो मुझे लगता है उससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती है टू फॉर ए यू नो फॉर यूथ ऑफ कश्मीर। एंड दिस इज अ वेरी बिगिनिंग, इंशाल्लाह इसके आगे अभी बहुत कुछ कश्मीर के यूथ के लिए होने वाला है। फरहाना, क्या इससे पहले कभी कश्मीरियों को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया था टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स? ऑफ कोर्स नॉट, आई डोंट थिंक, आई इफ यू आस्क मी आई मे बी रॉन्ग, बट आई डोंट थिंक कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म इससे पहले कभी मिला है कश्मीरियों को। G20 इज लाइक लीडरशिप ऑफ 20 कंट्रीज, इट्स अ बिग डील। तो उसमें कश्मीरी यूथ अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई थिंक ये पहला ऐसा मौका है जो कश्मीरी को मिला है। एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल, वेरी ग्रेटफुल फॉर द ऑर्गेनाइजर्स कि उन्होंने कश्मीर में इस चीज को ऑर्गेनाइज करने की सोची। फरहाना जी, इसके अंदर टर्की जो है वो आया, जो कि पहले प्लान नहीं था, पहले SCO की मीटिंग में या उससे पहले जितने भी सिनेरियोज हुए कहीं से नहीं दिख रहा था कि टर्की इसका पार्ट बनेगा, बट ऑन 11th आवर टर्की पहुंच गया इसको अटेंड करने, जिसकी बहुत ज्यादा जलन हुई पाकिस्तान को। तो अंदरूनी हालात टर्की को देख के क्या थे वहां पे? ऐसा कुछ नहीं है, टर्की को देख के ऐसा कोई नहीं हुआ कि जेलिसी है और समथिंग। इनफैक्ट वी वर हैप्पी, जितने भी कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे वो तो हमारे लिए अच्छा है कि हमारे इट्स काउंटिंग द स्टार ऑफ अवर यूनिफॉर्म काइंड ऑफ। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम चलो 19 नहीं 20 कंट्रीज है, टर्की ऐड हो गया, तो अब वी आर एबल टू इंटरेक्ट टू मोर एंड मोर कंट्रीज, लीडर्स ऑफ मोर एंड मोर कंट्रीज, सो इट्स वेरी बिग थिंग फॉर अस। एंड वी एज अ कंट्री एंड एज अ होस्ट एंड इंडिया के भी प्रेसिडेंसी एंड ऑनवर्ड तक, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन वी विल बी जेलस ऑफ एनी थिंग और एनी कंट्री। वी एज पर आई सॉ, एज पर आई नोटिस, वी लिटरली वेलकम्ड एवरी कंट्री टू कम टू कश्मीर और एनी अदर स्टेट ऑफ कंट्री ऑफ इंडिया एंड एक्सचेंज देयर व्यूज, बिकॉज जो भी आए डेलीगेट्स, जितने भी इंटरनेशनल डेलीगेट्स थे, दे वर नॉट जस्ट कॉमन पीपल, दे वर हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल। सो इंटेलेक्चुअल पीपल फ्रॉम टर्की रियली मीन्स अलॉट टू अस, मतलब उनके साथ बैठना, उनके साथ तबादले ख्याल करना, ये बहुत एक बड़ी बात है। आई डोंट नो इंडिया इसमें काइंड ऑफ, बिकॉज जेलसी वही जगह होती है जहाँ पे इनसिक्योरिटी होती है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक इंडिया वॉज एवर इनसिक्योर ऑफ एनी अदर कंट्री।
फरहाना जी, आज मैं एक TV9 आप लोगों का चैनल इंडिया का, उसके ऊपर ये न्यूज़ देख रही थी कि पाकिस्तान को लेके बहुत ज्यादा सिक्योरिटी खदशात हैं G20 में इंडिया को, जिसकी वजह से कश्मीर में होने वाले श्रीनगर के अंदर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी टाइट भी कर दी गई, और सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ज्यादा इंतजाम भी किए जा रहे हैं, जितने पहले हो रहे थे उससे भी ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम पाकिस्तान इज सो मच जेलस ऑफ देम, क्योंकि पाकिस्तान शायद नहीं चाहता है कि G20 कश्मीर के अंदर हो या इवन G20 हो भी, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन कि क्या सिक्योरिटी इश्यूज हैं और कौन से ऐसे इकदाम हैं जो इन फ्यूचर G20 से पॉजिटिव चेंजेस हैं जो G20 से आ सकते हैं इंडिया के अंदर? देखिए, एक ऐसी स्टेट जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट है जिसको पाकिस्तान ने हमेशा हथियार बना के एज ए इमोशनल हथियार और व्हाट सो एवर आगे दे हैव अटैक्ड इंडिया कश्मीर को हथियार बना के आउट ऑफ नो वेयर। मे बी दे आर मेकिंग नॉट मे बी आई एम वेरी श्योर दे आर मेकिंग पीपल फूल हेयर आउट ऑफ ऑन द नेम ऑफ रिलीजन ऑन द नेम ऑफ यू नो मेजोरिटी, बिकॉज यहाँ पे कश्मीर मुस्लिम्स मेजोरिटी में है ऑन दैट ग्राउंड और ऑन एनी अदर ग्राउंड। तो ऐसा ऐसी स्टेट का जो यूथ है वो आगे बढ़ेगा, वो अपनी कंट्री को के जो भी वसीले है उनको चैनलाइज करते हुए आगे बढ़ेगा, या हमारी कंट्री जैसे कि Y20 का G20 का प्लेटफॉर्म हमें मिलना ये बहुत बड़ी बात है। तो ऑफकोर्स अगर हमें ये प्लेटफॉर्म मिलेगा हम तो पॉजिटिव वे में आगे जाएंगे, हम तरक्की करेंगे, हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी, हम इंडिविजुअली सस्टेन करेंगे, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे। तो ये तो इनडायरेक्टली किसकी हार है? उस देश की, जो कि ऑफकोर्स कभी चाहता ही नहीं कि कश्मीरी यूथ जो है वो खुद अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, हमेशा वो फसाद दंगे ड्रग्स वगैरह में मुलव्वस रहे। तो आई एम श्योर ऐसी जो भी कंट्री होगी जो ये सब चाहता होगा, व्हाई वुड दे बी हैप्पी कि कश्मीर को के यूथ के सामने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म लेके आ रहा है इंडिया। तो आई थिंक आई कंप्लीटली एग्री विद दिस थिंग। एंड रही बात जो भी सिक्योरिटी मेजर्स लिए जा रहे हैं, तो एज आई टोल्ड यू कि G20 Y20 का होना बहुत बहुत बड़ी बात है, एंड नवंबर तक तो अभी ये है हमारे पास। तो इन ऑर्डर टू मेक इट सक्सेसफुल आई डोंट थिंक एज ए कंट्री वी विल टेक एनी चांस कि हमें जरा सा भी कहीं पे प्रॉब्लम हो जाए, जरा सा भी हम कहीं पे, क्योंकि इंटरनेशनल डेलीगेशंस का आना इज अ बिग डील, एंड इंडिया अभी इज इन द प्रेजिडेंसी ऑफ इंडिया, इट्स लाइक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अ वेरी वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ तो आप तो ये बोल रहे कि सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, यहाँ तो मई के महीने में सारे शूट बंद कर दिए गए, कोई शूट नहीं हो रहा है, क्योंकि हर एक, चाहे वो कॉमन बंदा हो, चाहे वो प्रेस हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, हर एक का अभी जो तवज्जो है इस G20, एवरीवन इज ट्राइंग टू मेक इट सक्सेसफुल इन इंडिया एंड इन कश्मीर एज वेल। तो आई थिंक उस चीज के हवाले से सिक्योरिटी का बढ़ाना एंड मेजर एक्सट्रीमली मेजर्स लेना या नए मेजर्स लेना सिक्योरिटी के लिहाज से, आई थिंक इट्स द नीड ऑफ एन आवर। फरहाना, एज आई नो के यू बिलोंग टू इंडस्ट्री, तो आप फैशन इंडस्ट्री, बॉलीवुड एक्टिंग इंडस्ट्री सबसे बिलोंग करते हो, तो हमेशा कश्मीर के अंदर या कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी हो तो उसके अंदर इस चीज़ को पॉजिटिव परस्पेक्टिव से नहीं देखा जाता। एक ऐसी कम्युनिटी से निकल के टुडे यू आर रिप्रेजेंटिंग यूथ ऑफ कश्मीर, तो क्या अब लोगों का परस्पेक्टिव बदला आपको लेकर या अभी भी वही है? देखिए, मुझे लगता है कश्मीरी लोगों का जो मतलब मेरे खिलाफ है, आई डोंट नो इफ उनका पर्सपेक्टिव मेरे अगेंस्ट अभी भी है या बदल चुका है या अभी आफ्टर Y20 वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। आई रियली डिडंट बॉदर टू अंडरस्टैंड इट, टू जस्ट सी कि क्या बोलते हैं लोग, अभी तो मैं Y20 में गई हूँ, व्हाट डू दे थिंक अबाउट मी। आई एम वेरी श्योर कि मोस्टली शायद ही खुश ना हो, शायद बिकॉज ऐसा होता है कि एक एक्टर प्रेजेंट कर रही है, एज मैं एज ए एलुमनाई ऑफ कश्मीर यूनिवर्सिटी आई वॉज प्रेजेंटेड एज ए पैनलिस्ट, मतलब आई एम नॉट एज एन एक्टर, एज एलुमनाई ऑफ कश्मीर यूनिवर्सिटी। सो उस हैसियत से मैं नेशनल पैनलिस्ट थी। एंड कश्मीरी यूथ का मेरे रिगार्डिंग क्या ख्यालात है, क्या नहीं ख्यालात है, जैसे मैं आपको बोला पिछली बार भी हमारी बात हुई कि एक्टिंग को लेके ज्यादा एक्सेप्टेंस है नहीं, बट क्या पता शायद इस चीज को लेके कि एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपनी आवाज को आगे रखने का, अपने विजन्स को, आइडियाज को आगे रखने का। मुझे लगता है कि इस चीज को लेके कश्मीरी यूथ का अभी माइंडसेट चेंज हो सकता है एंड होना भी चाहिए, बिकॉज दिस इज द हाई टाइम, अभी नहीं तो फिर कभी हो सकता है। फरहाना, आने वाली G20 जो है वो यूथ को तो बहुत ज्यादा उसके लिए बेनिफिशियल होगी ही होगी, बट व्हाट यू थिंक इंडिया की इकोनॉमी के लिए, इंडिया के टूरिज्म के लिए, कश्मीर के लिए बाय इटसेल्फ कितनी बेनिफिशियल हो सकती है? जो ये समिट है,
ग्लोबल 20 G20, तो इसका तो मकसद ही यही है कि इकोनॉमी को बूस्ट करे हर एक कंट्री को, इसका मेन मकसद ही यही है. एंड इंडिया अभी इंडिया की प्रेसिडेंसी में अभी इंडिया का वन ऑफ द गोल इज कि वो फ्री ट्रेड करे अक्रॉस द वर्ल्ड, बाकी कंट्रीज के साथ, ताकि उसके अपने रिलेशंस, अपने टर्म, जितने भी कंट्रीज है, जितने G20 में है या G20 से बाहर है, उन सबके साथ रिलेशन स्ट्रांग हो जाए. एंड अगर मैं स्पेसिफिकली कश्मीर की बात करूँ, बिकॉज अगर लास्ट टाइम मैंने आपको कहा कि अगर हम देखें इंडिया के बाकी स्टेट्स के लिहाज से, कश्मीर किसी न किसी रीजन से इकोनॉमी थोड़ा पीछा पीछे रह गया है, सॉरी. तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए, जैसे कि टूरिज्म की अगर बात करें, टूरिज्म तो हमेशा से चलता आ रहा था, टूरिज्म में आई डोंट थिंक कोई भी खलल पड़ी. टूरिज्म ऑलवेज लाइक इफ इट्स गो इट गोज डाउन इट कम्स अप इमिडिएटली. सो इससे हमें ये फायदा हो कि हमारे बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज या प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, वो भी फ्लोरिश करेंगे. जैसे कि बाहर के जितने भी लोग हैं, जो डेलीगेट्स यहाँ से वापस जाएंगे, सॉरी, दे विल गिव अ वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स. ठीक है, तो उस चीज को लेके दे विल थिंक कि दे कैन इन्वेस्ट इन कश्मीर, एक कश्मीर जैसी जगह पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि अभी सऊदी कर रहा है. दे कैन गिव इट ए थॉट, इंडिया के बाकी बाकी इंडस्ट्रीज में, बाकी स्टेट्स में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो इकोनॉमी को बूस्ट देने के हिसाब से अगर हम देखें, तो G20 कैन प्ले अ वेरी वेरी बिग रोल. फरहाना, जैसे पाकिस्तान का हमेशा से ख्याल है कि कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट नहीं है, वहां लोगों पर जुल्म होता है, या जो भी थॉट्स, यू नो वेल, जो भी थॉट्स पाकिस्तानियों के हमेशा से दिमागों में हैं या बना दी गई हैं या उनके दिमागों में डाल दी गई हैं, जो भी है, उन थॉट्स को लेके आज पूरी दुनिया जो है वो भी थोड़ी डाउटफुल है कश्मीर को लेके. तो डू यू रियली थिंक कि आफ्टर G20 लोग जब खुद आके देखेंगे, विजिट करेंगे, तो क्या कश्मीर इतना वर्थ इट है कि वो लोगों के उन थॉट्स को बदल सकेगा? ऑफ कोर्स, अभी का जो कश्मीर है, जो यूथ है, नया यूथ है कश्मीर का, हु आर लाइक हु आर डिटरमाइंड, हु नो व्हाट्स रॉन्ग एंड व्हाट्स राइट, व्हाट हैज बीन देयर इन द पास्ट एंड फ्यूचर कैसा होना चाहिए कश्मीर का, गलतियां क्या क्या हुई है, अभी हम उस मकाम पे क्यों नहीं है जहां हमें होना चाहिए था. तो अगर ऐसा यूथ आगे आएगा G20 के इस प्लेटफॉर्म पे और इंटरेक्ट करेगा बाकी जो डेलीगेशन है कंट्रीज के, तो दे विल ऑफ कोर्स दे विल टेक अ वेरी पॉजिटिव मैसेज फ्रॉम कश्मीर, और जितने भी फिर बाकी कंट्रीज के वट एवर दे हैव नोशन अबाउट कश्मीर, आई एम वेरी श्योर कि जब बाकी के कंट्री के डेलीगेशन भी आके सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे, दे विल इंटरेक्ट, दे विल नो द विजन, द आइडियाज एंड वट एवर इज हैपनिंग ऑन ग्राउंड इन रियलिटी, दे विल गो बैक एंड दे विल स्प्रेड दैट मैसेज ऑनली. सो इन दैट वे ऑल्सो इट विल प्ले अ वेरी वाइटल रोल. फरहाना, आपकी अपनी इंडस्ट्री, आपकी प्रोफेशनल इंडस्ट्री की अगर बात करूं, एक्टिंग, मीडिया, ऑल दैट, उसको कितना बूस्ट मिल सकता है G20 के बाद? क्योंकि कश्मीर में नो डाउट मीडिया हाउसेस तो बने, कुछ सालों से ये सब काम तो चल रहा है, मगर उस हद तक प्रेफरेंस नहीं दी जाती है जिस तरह से बाकी इंडिया के अंदर है. आफ्टर दिस डू यू रियली थिंक इट विल ऑल्सो गेट बूस्ट? आई एम वेरी श्योर इट विल ऑल्सो हैपन, इट विल ऑल्सो टेक प्लेस. जहाँ टूरिज्म हमारा बूस्ट हो रहा है, बाकी इंडस्ट्रीज, आई एम वेरी श्योर कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री वो भी बूस्ट होगी, बिकॉज अभी जो है फिल्म पॉलिसी कश्मीर में भी चल रही है, अभी कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हु पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुई है. बट एज आई टोल्ड यू कि पूरा जो श्रीनगर है, पूरा कश्मीर अपग्रेड कर रहा है, चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से देखें या यूथ को एक प्लेटफॉर्म, एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देने के हिसाब से देखें, तो वहाँ जो है एक एंटरटेनमेंट का भी एक अहम रोल रहता है, एक सोसाइटी को अपग्रेड करने में, एक स्टेट को अपग्रेड करने में, एक कंट्री को अपग्रेड करने में. तो आई थिंक वो तब का जो है पीछे नहीं रहेगा. आई एम वेरी श्योर कि G20 के माध्यम से हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड है हमारा कश्मीर का, वो भी काफी हद तक उसको भी सपोर्ट मिलेगा. एग्जैक्टली फरहाना जी, और जो पाकिस्तान को लेके बहुत सारे हिंदुस्तान को खदशात हैं सिक्योरिटी के हवाले से, डू यू रियली थिंक कि इस वक्त पाकिस्तान जितने क्राइसिस में घिरा हुआ है, आपको भी पता होगा कि हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान की इकोनॉमी नीचे जा रही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है नहीं, एक सिविल वार चल रही है अपने ही मुल्क के अंदर, इस सिविल वार के बावजूद भी क्या पाकिस्तान को होश होगी कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? सी एज आई सेड कि इंडिया इज राइट नाउ डूइंग द प्रेसिडेंसी ऑफ G20, सो वी वी कैन नॉट टेक एनी चांस. वी कांट जस्ट से कि हाँ कोई तो इकोनॉमी लो इकोनॉमी से जूझ रहा है, वो थोड़ी हमारा कुछ बिगाड़ सकते हैं. बट व्हाट इफ दे डिड, बिकॉज वी कुड नेवर बिलीव पाकिस्तान इन इन पास्ट, नीदर आई थिंक वी कैन डू इट इन फ्यूचर, नीदर वी डू इट इन प्रेजेंट.
सो ऑन वट ग्राउंड वी विल बी लाइक कि नहीं करेगा पाकिस्तान विल नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग बिकॉज ऑलरेडी एज यू सेड देयर इज अ नोशन दे आर जेलस ऑफ G20 बीइंग ऑर्गेनाइज इन कश्मीर. सो हमारे पास ऐसा कोई है? यूएस कांट ट्रस्ट पाकिस्तान, राइट? ऑफ कोर्स वी कैन नॉट. पाकिस्तान ने अभी तक मुझे लगता है आई डोंट नो, जैसे मैंने होश संभाला आई रियली डोंट नो कि वट गुड पाकिस्तान डिड फॉर इंडिया और कश्मीर, जो कि हम 2 मिनट के लिए भी उनपे ट्रस्ट करें या रिलाई कर सकते हैं उनपे. ना एंड पाकिस्तान पाकिस्तान जस्ट डिड अ बिकॉज कुछ लॉट पाकिस्तान डिड अ लॉट फॉर कश्मीर, व्हाई यू गाइस ऑलवेज डिनाई? What did they do? Just can you just tell me one or two things? हमेशा से बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी है, प्लेटफॉर्म पे जाके कश्मीर की आजादी मांगी है, कश्मीर के हक के लिए बात की है, व्हाई चल But रहा do है? they even know हमें आजादी चाहिए या नहीं चाहिए? वो खुद से डिसाइड नहीं कर सकते हैं भाई कश्मीर को आजादी चाहिए, और खुद से उस चीज के बेसिस पे ऑलरेडी उनने हमारे यूथ को भड़काया है. हमें हमेशा अगर 100% पॉपुलेशन है कश्मीर की और 100% लोग बोले कि भाई हमें आजादी चाहिए, तब जाके आप बोलते कि नहीं आपकी वो आवाज में आवाज जा रहे हैं. आप समझ रहे हो? अब हम जैसे यूथ जो है, मतलब मैक्सिमम अभी मुझे लगता है कि कश्मीर का यूथ काफी बदल रहा है. वी नो हमारे लिए क्या ये क्या गलत है.